वेलकम। हम देख रहे हैं इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी में। तो इवेपोरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा लिक्विड होता है वो किसमें, गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। अब हमारा जो भी अमाउंट वाटर का, क्योंकि हम वाटर के केस में देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोलॉजी में, तो जो हमारा अमाउंट वाटर का इवेपोरेटेड होगा कहाँ से, वाटर की सरफेस से, उसको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, वो मेथड्स नीचे दिए गए हैं। तीन मेथड होते हैं, एक तो इवेपोरेमीटर डेटा से होता है यूजिंग, एक यूजिंग एम्पेरिकल इवेपोरेशन इक्वेशन, एक होता है हमारा एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो हम इसमें पहला वाला देखेंगे इवेपोरीमीटर वाला, ठीक है, इवेपोरीमीटर वाला। तो हम देखते हैं इवेपोरीमीटर क्या होता है। इवेपोरीमीटर आर वाटर कंटेनिंग पेन्स, ये एक तरीके के पैन होते हैं, पेन्स मतलब इस तरीके के पैन होते हैं जो कि एक्सपोज कर दिए जाते हैं, खुले छोड़ दिए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। और लॉस ऑफ वाटर जो होता है इवेपोरेशन, अब तुम इसमें पानी भर के खुला छोड़ दोगे तो यहां से पानी इवेपोरेट करेगा ना, धूप आ रही उड़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी पानी हमारा इवेपोरेट होगा वाटर, उसको हम मेजर कर लेंगे रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इवेपोरी मीटर्स होते हैं। अब कितने तरीके के हमारे इवेपोरी मीटर होते हैं हम ये देखेंगे। एक होता है क्लास ए इवेपोरेशन पैन, जिसको यूएस वेदर ब्यूरो भी कहा जाता है, इसने निकाला था। दूसरा होता है ISI स्टैंडर्ड पैन, जो कि कहाँ यूज होता है, इंडिया में। एक होता है कोलोराडो सनकन पैन, ठीक है। ये पैन कैसा होता है, जैसे सपोज ये आपकी जमीन है, तो यहाँ पे इसको गड्ढा खोदेंगे, यहाँ पे इसके पैन को इस तरीके से रख देंगे कि जो इसका लेवल है जमीन का, वही यहाँ पे पानी का लेवल आ जाए, ठीक है। सो पैन इज सक बिलो ग्राउंड सच दैट, इस तरह की वाटर लेवल इन पैन इज एट ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल जो पैन में वो कितना हो ग्राउंड लेवल पे हो, ठीक है। एक है हमारा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन, ये कैसी फ्लोटिंग पैन, मतलब मान लो ये आपकी क्या है, लेक है, ये एक है लेक, ऐसे करके ये ऐसे करके लेक है, तो इस लेक में इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है पैन को, है ना। ये क्या करता है, यहाँ पे ये फ्लोट करेगा, ओके, ये यहाँ पे फ्लोटिंग करने लगता है। अब देखो, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन सिम्युलेट्स द कैरेक्टराइजेशन ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, ये लार्ज वाटर बॉडीज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको शो करता है। द इवेपोरीमीटर इज केप्ट फ्लोटिंग इन लेक, उसको फ्लोटिंग में कर दिया जाता है पैन को। अब देखते हैं हम हमारा पैन कोफिशिएंट क्या होता है। इवेपोरेशन पैन आर नॉट एग्जैक्ट मॉडल ऑफ लार्ज रिजर्वोयर, तो जो इवेपोरेशन पैन हमें इवेपोरेशन बताएंगे, ये लार्ज मॉडल के रिजर्वोयर के नहीं बता रहे, ठीक है, एग्जैक्ट मॉडल ऑफ लार्ज रिजर्वोयर नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, इवेपोरेशन जो ऑब्जर्व हो रहा है पैन से उसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, इवेपोरेशन जो हो रहा है एक्चुअल में उसको ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम अ लेक से। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सिमिलर क्लाइमेट और एक्सपोजिंग कंडीशन तो हम दे सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉफिशियंट यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पैन कॉफिशियंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास पैन इवेपोरेशन सपोज 5 आया, तो उसमें हम पैन कॉफिशियंट की मल्टीप्लाई करके लेक का इवेपोरेशन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप के लिए क्या क्या वैल्यू होती है हमारी सीपी की, दैट इज अ पैन कॉफिशियंट। अगर हमारा क्लास ए लैंड पैन है तो उसके लिए 0.70 होती है, जिसकी रेंज 0.70 से 0.80 तक के बीच होती है। अगर ISI पैन है, जिसको मॉडिफाइड क्लास से भी कहते हैं, तो उसकी रेंज 0.80 होती है, और ये लाई 0.64 से 1.10 के बीच में लाई करती है। अगर कोलोराडो सनकन पैन है हमारा, सनकन पैन है, तो इसकी रेंज 0.78, इसकी एवरेज वैल्यू 0.78 होती है, उसकी रेंज 0.75 से 0.86 लाई करती है। अगर हमारा यूएसजीएस फ्लोटिंग पैन है, जिसकी वैल्यू 0.80 होती है एवरेज, और ये कहां से कहां तक लाई करती है, 0.72 से 0.82 तक लाई करती है, ठीक है। तो ये हमें एवरेज वैल्यू याद रखनी होती है क्लास ए की ISI की, ये दो तो बहुत ही ज्यादा, ये वाली और ये वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।